नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है चर्चा में। सुनते हैं हम बचपन से कि पहला सुख निरोगी काया, बाकी सब भगवान की माया। लेकिन ये निरोगी काया का अर्थ क्या है? हम तन की तंदुरुस्ती की बात करें या मन की तंदुरुस्ती की बात करें, और तन और मन दोनों का गठजोड़ आपस में बड़ा बढ़िया सा होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं आज टूटता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण है एक ऐसा विषय जिस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, दैट इज ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, खासतौर पर हमारे बच्चों के लिए, जिनके लिए हम कहते हैं कि वही इस देश के लिए भविष्य के कर्णधार हैं। लेकिन उनके कंधे मजबूत रहे उसके लिए जरूरी है कि उनका वर्तमान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वो इस वर्तमान को जिए। ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर, इस विषय पर हमारे साथ वार्ता के लिए स्टूडियो में पधारे हुए हैं डॉक्टर मुकेश दादरवाल जी। आप कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं जयपुर में एक निजी अस्पताल में। डॉक्टर मुकेश जी, आपका बहुत स्वागत दूरदर्शन स्टूडियो में, अभिनंदन। मुकेश जी, इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक, द ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर। आज से 10-20 साल पहले की बात करें तो ये सब एक्सेस में था नहीं इस तरीके का। लोग कुछ दूरदर्शन पर ही कुछ फिल्में आती थी, उसकी प्रतीक्षा किया करते थे कि शनिवार को रविवार को फिल्म आएगी, वो देखेंगे, और कुछ पर्टिकुलर सीरियल्स होते थे वही देखते थे। लेकिन आज एक्सेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा है, हर किसी के घर में लैंडलाइन तो दिखता नहीं है, लेकिन जितने सदस्य हैं उतने मोबाइल हुआ करते हैं, और छोटे छोटे बच्चों के पास में भी उसकी एक्सेसिबिलिटी है। तो ये क्या चल रहा है जिससे जिसको हमें समझना चाहिए ठीक तरीके से? देखिए, जब से इंटरनेट आया है उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, फ़ायदे गेम्स के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि बच्चों में विजुअल मोटर डेवलपमेंट होता है, काफ़ी सारे कॉग्निटिव एक्सरसाइज के लिए भी काफ़ी सारे गेम आते हैं। लेकिन इंटरनेट और गेम के पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। सबसे पहले जो आज का विषय है गेमिंग एडिक्शन, या जिसको अपन ऑफिशियली बोलते हैं इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर। बच्चों में जनरली गेम्स, हम शुरू में हमको अच्छा भी लगता है कि बच्चे गेम खेल रहे हैं क्योंकि काफ़ी डेवलपमेंट होता है उससे, लेकिन धीरे धीरे कुछ बच्चे गेमिंग एडिक्शन की तरफ या बीमारी की तरफ जा रहे होते हैं, जिसके लिए हमें सजग रहना बहुत ज़रूरी है। क्या आपने जो बोला कि कुछ डेवलपमेंट भी होता है, ऐसा क्या डेवलपमेंट होता है गेम्स से जो उन्हीं से होता है, किसी और चीज़ से नहीं हो सकता? गेम्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गेम्स होते हैं। कुछ गेम्स में जैसे हम जनरली हमारा विजुअल सिस्टम और हमारा मोटर सिस्टम, फिंगर्स और जो थंब हम यूज़ करते हैं, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन हम गेम्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे इनिशियली हम जब शुरू करते हैं तो हम गेम में बहुत परफेक्ट नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे हम बहुत परफेक्ट होने लग जाते हैं क्योंकि हमारे जो विजुअल और मोटर का जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो बहुत बेटर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट होता है। और बहुत सारे गेम्स ऐसे आते हैं जिसमें हमको आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके रखना पड़ता है, फोकस करके रखना पड़ता है, तो उससे भी आपकी काफ़ी सारी फोकस और कंसंट्रेशन में इम्प्रूवमेंट होता है। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, जब अपन उस लिमिट के अंदर उसको यूज़ करते हैं तो हमका डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि वो जो गेमिंग है वो आपकी अदर एक्टिविटीज़ को प्रोसीड कर रहा है, मतलब उनको हटा रहा है और आप उसको करे जा रहे हो, तो वहाँ पर आपका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। आपने जैसे कहा कि ना, जो एक तरीके से गेमिंग में एक हम लोग सुनते थे वीरेंद्र सहवाग का हैंड आई कोऑर्डिनेशन बड़ा जबरदस्त है, तो बड़ा छक्के चौके मार देते थे, तो यहाँ पर जो वो कोऑर्डिनेशन अगर बढ़ रहा है तो उससे रियल लाइफ में हमें किन चीजों में फायदा मिलता है? तो बहाने होंगे ना उसको करने के लिए। तो जनरली जितने भी आउटडोर गेम्स हैं उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है, और सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही होता है कि आपके कॉग्निटिव फंक्शंस जितने भी हैं, चाहे विजुअल मोटर हो, चाहे कोई सा भी कॉग्निटिव फंक्शन हो, एक कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ता है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है आपका ओवरऑल, तो उसका काफ़ी फर्क पड़ता है। भले ही ओनली वो फंक्शन काम नहीं आ रहे हैं, लेकिन अदर फंक्शंस आपके बेटर होते जाते हैं। सर, इसको हम नेगेटिव किए ना, बिकॉज हम लोग बात कर रहे हैं तो इसीलिए बात कर रहे हैं कि उसके कुछ दुष्प्रभाव जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं, और वो किस तरीके के दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं, बिकॉज पर्टिकुलरली बच्चों के लिए विशेष तौर पर, बिकॉज वो उनकी उम्र जो होती है कि अगर आज कुटुंब तो बहुत बड़ा रहा नहीं, ज्वाइंट फैमिलीज है नहीं, एक घर में हम लोग देखते हैं कि मैं, मेरी पत्नी और दो बच्चे, इस तरीके से चल रहा है, तो ऐसे में और वो भी वॉकिंग है तो उनके पास में लोग नहीं है, आप गली में आपके पास में खेलने का मैदान नहीं है, तो क्या करना है? तो जो मिल रहा है उसके साथ में रहना है, तो दुष्प्रभाव किस तरीके का आया जो दिखाई? जनरली जो शुरू होता है इनिशियली बच्चों में, बहुत आजकल क्योंकि आफ्टर कोरोना काफ़ी बूम आ गया है, ऑनलाइन जो डिवाइसेज हैं वो काफ़ी अवेलेबल होने लगी, इवन बच्चों को भी काफ़ी सारे एक्सेस मिल गया है इन सब डिवाइसेज का। और आजकल जैसे कि आप कह रहे हो कि यूनिट फैमिलीज़ न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं जिसमें बहुत कम सदस्य हैं,
और जितने भी सदस्य हैं सारे वर्किंग हैं, तो बच्चों के ऊपर एक्चुअली फोकस काफ़ी कम हो गया है। जैसे ही हम काम से आते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, काम से आते हैं, बच्चे को टाइम देना है, अब हम थक के हार के घर पे आते हैं तो बच्चे को टाइम देने के लिए एनर्जी नहीं रहती, तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चा शांत रहे, तो उसके लिए हम बहुत बार मोबाइल उनको प्रोवाइड कर देते हैं। वहीं से शुरू होता है उनका जो डिवाइस का एक्सेस जो है वो, जिसको वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता है, जब स्क्रीन टाइम बढ़ने लगता है बच्चों के अंदर, तो स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से ब्रेन के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। जैसे कि बच्चों के अंदर कुछ व्यवहारिक चेंजेस आते हैं, कि वो चिड़चिड़े होने लगते हैं, बहुत इरिटेटेड होने लग जाते हैं, उनका कंसंट्रेशन और फोकस काफ़ी डाउन होने लगता है, उनका जो हाइपर एक्टिविटी है वो आने लगती है, एक्सट्रीमिज्म बढ़ता है एक यस तरीके यस से। यस, नींद का डिस्टरबेंस होने लग जाता है बच्चों को काफ़ी। जब जब ये चीज़ें लॉन्ग टर्म तक चलती रहती है तो बच्चों को एंजाइटी और डिप्रेशन का वो शिकार होने लग जाते हैं। आपने एंग्जाइटी और डिप्रेशन बोला, ये बहुत एक चर्चित टर्म है और ये बहुत लोगों में देखने को मिले, न केवल यहाँ बल्कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं उसमें भी, और लोग इसको बताते ही नहीं है किसी तौर पे। तो थोड़ा सा इस बारे में भी बताएं, जैसे हमारे जनरल जो दर्शक हैं जो शायद इस समस्या से पीड़ित हो लेकिन उन्हें खुद भी इस बारे में नहीं पता हो और वो किसी के साथ में साझा भी नहीं करते। देखो जनरली जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उनके साथ काफ़ी पुराने टाइम से स्टिग्मा अटैच्ड है, वो लोगों लोग इसको एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ, नेगेटिव परसेप्शन के साथ देखते हैं। पहले जिन इन इन इनको एक्सप्लेन किया करता था कि भूत प्रेत का साया है, या किसी कोई ब्लैक मैजिक के कारण हो गया है, या पुराने जन्म के पाप हैं जो अभी मिल रहे हैं, ये सब एक्सप्लेनेशन पहले हुआ करते थे, जिसकी वजह से काफ़ी स्टिग्मा जो मेंटल हेल्थ को लेके अटैच हो गया है, जिसके कारण लोग शेयर नहीं करना चाहते। लेकिन डेफिनेटली शेयर करना चाहिए, आपको इसके लिए हेल्प भी लेनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है, आपको अगर कोई मानसिक बीमारी है, मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं, तो आप वीक नहीं हैं, आप स्ट्रोंग हैं, है ना। और आप जब हेल्प लेते हैं, हेल्प की तरफ जाते हैं, तो आप और स्ट्रोंग बनने लगते हैं। जनरली जो हम एंजाइटी और डिप्रेशन की बात करते हैं, ये सबसे कॉमन बीमारियां हैं जो मेंटल हेल्थ इश्यूज की होती हैं, मेंटल हेल्थ को लेके होती हैं। एंजाइटी मतलब एक दिमाग के अंदर ओवर थिंकिंग सी चलती है, और कुछ फिजिकल सिम्टम्स उसके साथ साथ आने लगते हैं, जैसे कि घबराहट होने लगती है, जी पल्पिटेशंस, हार्ट रेट बढ़ जाती है, स्वेटिंग होने लगती है, गला सूखने लगता है, और एक एक अननेसेसरी सा डर सा लगने लगता है। तो ये एंजाइटी के कुछ सिम्टम्स होते हैं। डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स, जिसको हम हिंदी में अवसाद भी बोलते हैं, जैसे कि मन बहुत उदास रहने लग जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द डेज उदासीपन रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, एक एक खुशी नहीं मिलती है, जी नींद डिस्टर्ब होने लगती है, भूख नहीं लगती है, एक शरीर में थकावट सी महसूस होती है, तो ये सारे सिम्टम डिप्रेशन के होते हैं। यानी कि हम लोगों ने अब तक की चर्चा में ये भी देखा कि जब ज़्यादा आप इंटरनेट एडिक्शन में जाते हैं तब किस तरीके के लक्षण आते हैं, खासतौर पर बच्चों में, जो डॉक्टर साहब ने बताया कि एक एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपसे नाराज़ हो जाएंगे, गुस्से में चीज़ों को फेंकने लगेंगे, जोर से चिल्लाएंगे, ये उस तरीके के लक्षण है जो समझने चाहिए। और हमारे जनरल ऑडियंस के लिए भी कुछ बातें हमारे प्रोग्राम में बताएं, इससे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम आपके लिए, कुछ पर्टिकुलर ऐसे गेम्स जिनके बारे में आप बताना चाहें कि इनसे तो हमें सावधान रहना ही है, बिकॉज सबसे ज़्यादा लत उनकी लग रही है, ऐसा कुछ। देखो गेम्स भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गेम्स होते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल दूँ, फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम्स होते हैं, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी आजकल बहुत चर्चा में है। तो उसमें क्या है, एक पर्सन होता है जो एक एक अवतार लेता है, उसमें एक अवतार बनता है, तो बच्चा बच्चा नहीं होता उसमें, एक अवतार होता है, तो अच्छा, बच्चे ओके, को जिस भी तरीके का अवतार बनना है वो उसमें बन सकता है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे वो स्टेजेस क्रॉस करता जाता है, उसका अवतार भी स्ट्रोंग होता जाता है और अपग्रेड होता जाता है, जो कि बच्चों को कहीं ना कहीं एक ग्रेटिफिकेशन देता है, एक हाई फील मैं करवाता बड़ा है। बन गया हाँ, हूं, तो जो चीज़ वो ऑफलाइन या रियल वर्ल्ड में नहीं रियल कर वर्ल्ड में पा नहीं कर पाते हैं, वो गेम में कर रहे होते हैं। दूसरा, वहाँ पे काफ़ी सारी एक टीम बना सकते हैं, काफ़ी सारे लोगों को मिला के एक टीम बना सकते हैं, रहे। जिसको क्लैंस बोलते हैं, ओके है ना। अब फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम्स में क्या होता है, वो पर्सन एक अवतार लेता है और शूटिंग करना शुरू कर देता है, या वॉर से रिलेटेड वो अकेला लड़ रहा होता है, या क्लेन के साथ लड़ रहा होता है। अदर गेम्स होते हैं जो, और इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो गेम्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं मैसिव मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्ले गेम्स। तो इसमें क्या होता है कि एक पूरी टीम बनती है, और वो टीम मिल के काफ़ी सारे मिशंस को कंप्लीट करते हैं, अच्छा, तो एक के बाद एक मिशंस उनको मिलते हैं और वो उनको पार करते जाते हैं। तो जैसे जैसे हम फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम, थर्ड पर्सन शूटिंग गेम की तरफ, मैसिव मल्टीप्लेयर जो ऑनलाइन गेम्स हैं,
फिर मेसिव मल्टीप्लेयर रोल प्ले ऑनलाइन गेम्स आते हैं, तो इसकी तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ये और कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं, और बच्चे के लिए और टाइम देना पड़ता है बच्चे को उनके स्टेजेस क्रॉस करने के लिए, अवतार को अपग्रेड करने के लिए और मिशंस को कंप्लीट करने के ये लिए। केवल इतना ही है कि इंटरनेट में आपका डेटा से ही संबंधित है, या फिर इसके बाद में उस अवतार को अपग्रेड करने के लिए और समय देने के लिए, उसको जीतने के लिए आपको कुछ रकम भी खर्चनी पड़ती है? बिकॉज ये भी चीज सुनने में आई आजकल आती है, डेफिनेटली जब तो आप बच्चों के पास तो पैसा नहीं है ना? यस यस बच्चों में एक फीचर है कि बच्चे जल्दी बोर हो जाते हैं, तो जनरली जैसे उनके पास एक अवतार है और एक ही स्टेज पे वो काफ़ी टाइम से है, तो उनको एक फ्रस्ट्रेशन सी होने लगती है कि उनको और अवतार चाहिए, उनको डिफरेंट अवतार चाहिए, क्योंकि इस अवतार से, इस मिशन से वो बोर हो गए हैं। तो उस अवतार को या तो वो काफ़ी सारी स्टेजेस पार करके लें, ये भी एक ऑप्शन होता है गेम्स में जनरली, या फिर आप उसको परचेज कर लो। तो जनरली बच्चे शॉर्ट जो है उसको शॉर्टकट अपनाने की लेते कोशिश हैं। करते हैं, तो इस चक्कर में उसको खरीदने की कोशिश करते हैं, एक के बाद एक जो अवतार्स खरीदते जाते हैं, तो उसमें कॉस्ट भी बहुत हाई होती जाती है। जितना कॉम्प्लिकेटेड, जितना बेटर, जितना अच्छा आप अवतार खरीदते हो, उतना ही आपको पेमेंट देना पड़ता है, तो इसकी वजह से बच्चे काफ़ी सारी जो राशि है, जो पैसा है, वो खर्च कर देते हैं। काफ़ी बार बच्चों पेरेंट्स से छुपा के क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं, काफ़ी सारी खबरें हम जनरली न्यूज़पेपर में पढ़ते एग्जैक्टली हैं। सो बहुत सारी इवन ऐसी खबरें आती हैं जो जीवन से संबंधित होती हैं और बहुत गलत स्टेप्स भी उठा लिए जाते हैं, और इससे बचना बहुत जरूरी भी है। किस उम्र के बच्चों में ये ज्यादा देखने को मिल रहा है, फिर तरुणों में या उससे ऊपर? देखो जनरली अगर हम देखें कि गेमिंग डिसऑर्डर कितना प्रिवलेंट है, तो जनरली ओवरऑल वर्ल्ड में 3% ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑलरेडी एडिक्टेड टू द गेम्स। 100 में से 3 लोग इसमें हैं। यस ओके, एंड अगर बच्चों की अपन बात और करें, भारत की जनरली बात करें अगर यहाँ पर भारत में कोई ऐसा डाटा अभी अवेलेबल अभी नहीं है। अवेलेबल नहीं। ठीक है। जो जनरली अपन जो बच्चों में देखते हैं, चाइल्ड एंड एडोलसेंट जो कैटेगरी अपन बोलते हैं, 13 साल से लेकर 18 साल तक की बच्चे, वो 2% जो बच्चे हैं वो अभी गेमिंग एडिक्शन की तरफ हैं। जो हमने प्रिवलेंस जो देखा रिसर्च में, वो सारा अभी है। एडिक्शन जो आप कह रहे हैं, वो लगभग कितना कितना घंटा कोई आदमी इसमें उपयोग ले रहा है, जिसको हम एडिक्शन में की कैटेगरी में डालें? एडिक्शन की जो अभी जो कैटेगरीज बनाएंगे, स्पेशली जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या आप कहो अमेरिकन साइकेट्रिक सोसाइटी है, इन्होंने जो गेमिंग एडिक्शन के ऊपर जो फोकस करना शुरू किया है, स्पेशली 2018 के बाद में शुरू किया है, तो अब उन्होंने 2018 के बाद में काफ़ी सारे क्राइटेरियाज बनाए हैं कि किन बच्चों को हम गेमिंग एडिक्शन में डालें, क्योंकि काफ़ी सारे जो एडोल्सेंट या बच्चे या एडल्ट जो हैं वो एज ए प्रोफेशनल भी गेमिंग करते हैं और उससे पैसा भी कमाते हैं, तो इसलिए ये क्राइटेरियाज बनाने ज़रूरी हैं कि हम किन को उन कैटेगरीज में डालें कि ये एडिक्टेड है और इनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। इसके लिए काफ़ी सारे क्राइटेरिया बनाए, उनमें टाइम को लेके क्राइटेरिया नहीं है, बट कम से कम 8 से 9 क्राइटेरियाज अभी दिए गए हैं। अपनी जैसे हम लोग जो बात कर रहे हैं इसकी कि ना ये लक्षण होंगे, लेकिन उसका एक जो समाधान है, अगर कोई आपके पास में आता है तो आप क्या समाधान बताते हैं उसको? जनरली सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्योंकि ऐसा कोई अभी कोई एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है गेमिंग एडिक्शन के लिए, क्योंकि ये बहुत इवॉल्विंग बीमारी है, इंटरनेट भी काफ़ी रिसेंट है अपने, और अभी रिसर्च का इस पर फोकस चल रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी गवर्नमेंट ने रिसर्च प्रोजेक्ट भी शुरू किए हैं गेमिंग एडिक्शन को लेके, तो आने वाले टाइम में हमको हो सकता है एविडेंस बेस्ड इसका ट्रीटमेंट मिले। अभी जो हम जनरली जो ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, हम केस बाई केस करते हैं, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बच्चे किस तरीके से गेम की तरफ गए हैं। काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, जैसे काफ़ी सारे बच्चे बहुत इंपल्सिव होते हैं, है ना, जिसको हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं जो बच्चों को रहता है, तो ऐसे बच्चे गेमिंग की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो बहुत बहुत एंजाइटी प्रोन होते हैं, जिनको एंजाइटी होती है, स्कूल में बहुत बुलिंग हो रही होती है, फैमिली में भी एकदम नेग्लेक्टेड बच्चे होते हैं, उनको गेम में एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, एक नया वर्ल्ड मिलता है कि मैं एक अवतार हूँ, मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, तो जी वो इस वजह से काफ़ी जाने लगते हैं। काफ़ी सारे बच्चे जो है वो एज ए एस्केप यूज़ करते हैं फ्रॉम द बोर्डम, कि ओके बोर्डम के लिए हम गेम खेलना शुरू कर देते हैं, तो इस तरीके से जाते हैं। जनरली हमारा फोकस इस तरफ भी रहता है, दूसरा फोकस हम ये देखते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा गेमिंग कर रहा है, काफ़ी टाइम से स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या क्या उसको फिजिकल प्रॉब्लम्स और मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। काफ़ी सारे बच्चों को एनजाइटी और डिप्रेशन हो चल रहा होता है, काफ़ी सारे बच्चों को फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, जैसे नेक पेन है, हैंड पेन भी हो रहा होता है, एक कार्पल टनल सिंड्रोम होता है जो बहुत ज़्यादा हैंड मूवमेंट्स की वजह से होने ओके लगता है,
स्पाइनल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी हम फोकस करते हैं, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट होता है। काफ़ी सारे बच्चे को हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी काफ़ी हेल्प करती है। मेडिकेशंस वाइज, दवाइयों वाइज हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं, बट अभी भी अंडर रिसर्च कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो अप्रूव्ड नहीं है, बट स्टिल दे आर हेल्पफुल। डॉक्टर साहब, अगर हम ये देखें, बिकॉज कई बार होता है ना कि जहर ही जहर को काटता है, तो ऐसे में अगर आप देखें कि ये गेम्स जो आपने बताया कि ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं, इससे थोड़ा बचना चाहिए, तो क्या इसके मुकाबले कुछ और गेम्स ऐसे भी हैं जिन्हें कि हम बड़े भी कह सकें कि तुमको खेलना है तो तुम और ऑनलाइन ही कर रहे हैं तो ये नहीं ये कर लीजिए, तो क्या ये सही रहेगा? देखो, कुछ सिंपल गेम्स हैं, जैसे मैं कहूँ सुडोकू, है ना, तो सुडोकू में क्या है, हमारी काफ़ी सारे जो है कॉग्निटिव एक्सरसाइजेज होने लगती हैं, हमको काफ़ी सारा सोचना पड़ता है कि ये शब्द का पर्यायवाची क्या है, ठीक या ये जो एक वाक्य दिया हुआ है इसका वन वर्ड मीनिंग क्या है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें सोचना पड़ता है, तो हमारा थिंकिंग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है उस चीज़ को लेके। कुछ अदर गेम्स भी हैं, जैसे ल्यूमोसिटी एक गेम आता है, एक ऐप है, गेम नहीं, एक ओके ऐप है, उसमें भी कुछ इस तरह के छोटे छोटे गेम्स होते हैं जिसमें आपकी अटेंशन और कंसंट्रेशन काफ़ी इम्प्रूव होती है, क्योंकि उसमें जो कुछ क्वेश्चंस और जो कलर्स वगैरह वो डिफरेंट डिफरेंट जो आते हैं उसमें आपको कुछ आंसर्स देने पड़ते हैं, उसके लिए बहुत आपको कंसंट्रेट करके रखना पड़ता है उसके ऊपर, तो ये कुछ गेम, ये चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते यूज हैं। करना चाहिए। आपके पास में बस जो लोग आते हैं इसके लिए, लगभग आपको क्या लगता है कि किस सीमा पर जाकर के आते हैं? जनरली इनिशियली तो बच्चों का भी टाइम पास हो रहा होता है, फैमिली को भी थोड़ा ठीक लग रहा होता है, और इनिशियली क्या है, बच्चों का इतना एकेडमिक डिक्लाइन भी नहीं होता, जैसे जैसे वो उनका टाइम पीरियड कंज्यूम होने लगता है, बच्चों में कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं, जैसे कि वो चिड़चिड़े होने लगते हैं, बहुत एग्रेसिव होने लगते हैं, इतने आउटबर्स्ट हो जाते हैं कि वो चीज़ों को तोड़फोड़ करने लगते हैं घर के अंदर, जैसे ही आप उनसे डिवाइस लेने लगोगे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, रात को सोते नहीं है, रात रात भर गेम खेलने लग जाते हैं वो, क्योंकि वो पूरा उसको इसके लिए वो नींद को काफ़ी ख़राब करने लग जाते हैं अपने, बहुत सारे पेशे बच्चे जो हैं वो पैसों को बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं, कुछ बच्चों का बहुत ज़्यादा एकेडमिक डिक्लाइन होने लगता है, तो इस तरह की चीज़ों के लिए फिर पेरेंट्स जो हैं वो कंसल्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ये सब चीजें को थोड़ा सा समझनी चाहिए, लेकिन ये भी इसमें भी पॉइंट ये आएगा कि कितने लोग आप तक पहुंच रहे हैं, फुटफॉल कितना हो रहा है, और समस्या गंभीर है, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग। तो ये दुनिया भर में इसके बारे में विमर्श चल रहा है, बात हो रही है, लेकिन लोग उतने डॉक्टर्स के पास में पहुंचते भी हैं या फिर सोसाइटी प्रेशर में एक पीयर ग्रुप में घबराते हैं? देखो, एक तो ये भी है कि जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यू हैं, साइकेट्रिस्ट के जाने से पहले लोग काफ़ी डरते हैं और झिझकते हैं, कोशिश करते हैं कि ना जाएं, तो उसी क्लिनिक में जाएं जबकि तो भी साइकेट्रिस्ट लिखा डिस्ट्रेस। हुआ है मैं घुसूंगा और आस पड़ोस में किसी ने देखा तो फिर कैसा लगेगा? दूसरी बात ये है कि बच्चे भी क्योंकि बच्चे छोटे हैं, दे डोंट नो कि क्या है, उनको सीधा से ये लगता है कि हमें साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया जा रहा है, हमारे को तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो सिर्फ गेम ही तो खेल रहे हैं, है ना, और हम एंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैफेजर्ड बनती है। दूसरी बात यह है कि काफ़ी पेरेंट्स इस चीज़ को नेगलेक्ट भी करते हैं, कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे होते हैं, जी बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे होते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से तालमेल बिठा के चलते रहते हैं और इन इश्यूज़ को नेगलेक्ट करते रहते हैं, उनको ये भी कहीं ना कहीं स्टिग्मा रहता है कि कोई ऐसी मेडिसिन दे दी जाएगी जिससे बच्चे को काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन अभी साइकेट्री काफ़ी इवोल्व हो चुकी है, काफ़ी एडवांस हो चुकी है कि इस तरह की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें काउंसलिंग से भी हैंडल की जा सकती हैं, और काफ़ी सारी टिप्स हम पेरेंट्स को पेरेंटिंग की भी देते हैं ओके जिससे कि वो बच्चे को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं हमारे जो इस दर्शकों को दीजिए तरीके प्लीज, जरूरी है कुछ पेरेंटिंग टिप्स अगर आप देना चाहें। से। देखो, बच्चों में जो सबसे ज़्यादा जो कारगर चीज़ होती है वो होती है रीइन्फोर्समेंट टेक्निक। जनरली हम क्या करते हैं, पनिशमेंट टेक्निक को फॉलो करते हैं, पनिशमेंट टेक्निक भी कुछ हद तक काम करती है लेकिन इतना काम नहीं करती जितनी रीइन्फोर्समेंट टेक्निक करती है, तो रीइन्फोर्समेंट में जनरली हम क्या करते हैं कि बच्चों को कुछ ना कुछ रीइन्फोर्समेंट देना है, अब वो रीइन्फोर्समेंट दो तरीके का हो सकता है, या तो पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट या नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट। रीइन्फोर्समेंट का मतलब, मेरा कहने का मतलब यही है कि हम उसका कुछ बिहेवियर बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मान लो कि वो अभी सिर्फ 15 मिनट पढ़ाई करता है, तो हम चाहते हैं कि वो कम से कम आधा घंटा पढ़ाई करे या 45 मिनट्स को पढ़ाई करे, जी तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ उसको रीइन्फोर्समेंट देना पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट अपनाना चाहते हैं तो आप उसको कुछ ऐसी चीज़ दीजिए कि आप ये करेंगे तो आपको हम ये देंगे, कि आप जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कह रहे हैं कि 45 मिनट्स के लिए आप पढ़ाई करिए, अपना होमवर्क कंप्लीट करिए,
हम हाफ एन आवर के लिए आपको गेम खेलने देंगे या हाफ एन आवर के लिए आपको आउटिंग करने देंगे कि आप आउटिंग करके आ सकते हैं, या आपके चॉइस का आज फूड बनाएंगे, है ना। तो कुछ भी आप रीइन्फोर्समेंट दे सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स से ज़्यादा कुछ नहीं जानता कि बच्चों को क्या पसंद है। एग्जैक्टली, वेरी राइट. एक नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट टेक्निक भी होती है, जिसमें आप ये कर सकते हो कि अगर बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, आप चाहते हो कि वो होमवर्क करे, तो आप ये उसके साथ कंडीशन करना पड़ेगा कि आप अगर 45 मिनट्स पढ़ाई करते हो और होमवर्क कंप्लीट करते हो तो ठीक है, नहीं का अगर बच्चा करता है इसको फॉलो, तो आप नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट के तौर पे उस दिन उसका आधे घंटे का जो गेम आप देते हो या बाहर जाने की अनुमति जो देते हो उसको कट कर सकते हो। ओके, मतलब पॉजिटिव वाला भी देख सकते हैं और नेगेटिव वाला भी देख सकते हैं. कोई ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर का कोई केस जो आपको ध्यान आता हो कि इससे हम बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं और दर्शकों को जाननी चाहिए. जनरली काफ़ी बच्चे आते हैं। एक बच्चा जो मुझे अभी याद है, वो बच्चे का लगभग एक दिन में 4 से 5 घंटे वो गेम यूज़ करता था, जिसकी वजह से उसको काफ़ी कंसंट्रेशन और अटेंशन की प्रॉब्लम हो रही थी, काफ़ी इरिटेशन इरिटेटेड उसका बिहेवियर रहता था। रात को भी वो लगभग 2-2.5 घंटे मोबाइल यूज़ करता था गेमिंग के लिए, जिसकी वजह से वो रात भर सो नहीं पाता था। जैसे वो मेरे बच्चा मेरे पास आया, मैंने काफ़ी जनरली बच्चों के साथ इनिशियली जब पहली बार बच्चा आता है तो वो आपसे बहुत कम शेयर करता है, तो आपको उसके साथ रेपो एस्टैब्लिश करना पड़ता है, उसको गेम से रिलेटेड ही बातें करना पड़ता है, उसका जो इंटरेस्ट है वही बातें करना पड़ता है, इसलिए हमको भी गेम के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो हम जो गेम वो खेल रहा होता है उससे उससे इंटरेस्टिंग चीज़ें बात करते हैं, तो बच्चों के साथ रेपो एस्टैब्लिश होता है, फिर हम बच्चों से बात करना शुरू करते हैं। तो वो जो बच्चा था उसके साथ मैंने 2-3 सीटिंग में बात करना शुरू किया, तो देन ही स्टार्टेड कि स्कूल में उसको बहुत ज़्यादा बुलिंग जो है वो एक्सपीरियंस करना पड़ता है, उसका वेट थोड़ा ज़्यादा था तो बच्चे उसको मोटा करके चिढ़ा रहे हैं। तो ये जो है ये बच्चों में बहुत ज़्यादा हीन भावना पैदा करता है और उनका जो सेल्फ एस्टीम है उसको काफ़ी डाउन कर देता है। तो जनरली बच्चे सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए भी गेमिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक अवतार लेते हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जिससे वो रियल लाइफ में नहीं कर सकते या लोगों को शो नहीं कर सकते, जिससे उनको हाई सेल्फ एस्टीम फील होता है। ठीक है. तो ये चीज़ें थी, जब बाद में और असेसमेंट करने के बाद उसमें डिप्रेशन भी डायग्नोज किया, डिप्रेशन का हमने ट्रीटमेंट किया, बच्चे के साथ काफ़ी जो लाइफस्टाइल चेंजेज है वो डिस्कस किए, स्लीप हाइजीन की चीज़ें वो डिस्कस की। धीरे धीरे जब बच्चे के साथ एक बार जुड़ जाते हो आप, तो बच्चा आपको रोल मॉडल मानने लगता है और आपकी बातों को फॉलो करने लगता है। वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत सही है आपने जो कहा कि आप रोल मॉडल खुद बने. आप केवल और केवल बात करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रत्यक्ष उदाहरण आपको बन करके रहना पड़ेगा. आप पबजी की जगह अगर आप पणजी की तरफ रुख करेंगे तो वहां पर आपको ज्यादा सुंदरता दिखाई देगी, लेकिन उसके लिए उनके साथ में अटैचमेंट करना पड़ेगा. इट्स नॉट अबाउट ओनली क्वालिटी टाइम, आई थिंक शायद बच्चों के साथ में क्वांटिटी टाइम जो है वो यस हमें स्पेंड करना चाहिए. बहुत समय कम बिल्कुल बचा है, कुछ और मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहें रिगार्डिंग दिस? गेमिंग डिसऑर्डर के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो भी बच्चा इसका शिकार है वो बच्चे को मदद की ज़रूरत है, तो हमको उस बच्चे को एक बीमारी की हैसियत से देखना चाहिए, कि एक नीड के बेस पे देखना चाहिए कि इस बच्चे को ज़रूरत है, और उस समय हमको उससे फ्रेंडली बिहेव करने की ज़रूरत है। जनरली हम पेरेंट्स जो हैं उल्टा बिहेव करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, और ये जो घर का माहौल है वो काफ़ी ख़राब होने लग जाता है। उसकी बजाय उससे फ्रेंड बनना ज़रूरी है, बच्चे को समझना ज़रूरी है रियल लाइफ में उसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, कहीं उसके साथ एंजाइटी इश्यूज तो नहीं आ रहे, कहीं उसको लर्निंग की प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कहीं वो लर्न नहीं कर पा रहा है, जिसको कोप करने के लिए काफ़ी बार बच्चे गेम को यूज़ करने लगते हैं, बच्चों के साथ बुलिंग तो नहीं हो रही है ना। बच्चों के साथ आप क्वांटिटी टाइम बिता पा रहे हो कि नहीं बिता पा रहे हो। अगर आप बच्चों के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर रहे हो, आप बच्चों के साथ फिजिकल गेम्स नहीं खेल रहे हो, आउटडोर गेम्स नहीं खेल रहे हो, बाहर नहीं लेके जा रहे हो, तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गेमिंग की तरफ जाने लगते हैं। तो शुरू से ही हम अगर इन चीज़ों का ध्यान रखें तो बच्चे को काफ़ी कुछ हम लाइम लाइट में ला सकते हैं, लाइट की तरफ ला सकते हैं। एग्जैक्टली, बड़ा अच्छा शब्द है स्वयं, लेकिन स्वयं में एक वयम भी जुड़ा हुआ है जिसका संस्कृत में मतलब होता है कि हम सब. तो केवल स्वयं में यानी कि अपने से साथ में मत रहिए, बल्कि स्वयं में जो वयम जुड़ा हुआ है उन हम सबको साथ में लेकर के चलिए. जब सबको साथ में लेकर के चलेंगे तो परिवार जरा ज्यादा अच्छे तरीके से रहेगा, गुंथा हुआ रहेगा,
हंसी खुशी के साथ में रहेगा, मित्रतापूर्ण व्यवहार रहेगा और आपका उनके साथ में संबंध जो विकसित होगा उसमें कुछ खट्टी मीठी बातें होंगी आपके समय की, जब आप बचपन में थे, जब वो यहाँ पर है, और थोड़ा जब रात को थोड़ा सा घूमने लगेंगे तो उन्हें नीचे मोबाइल की जगह ऊपर आसमान में देखेंगे तो कुछ चांद और सितारे भी दिखाई देंगे और कुछ महक भी आएगी, ठंडी ठंडी बयार भी आएगी। तो ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर पर आपने बहुत कुछ, आई होप कि आपने सीखा होगा आज के हमारे इस कार्यक्रम से, उसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कीजिएगा और हमारे समाज को कुछ और अच्छा बनाने का प्रयास अपनी ओर से अवश्य कीजिएगा। डॉक्टर बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में पधारे, बहुत नमस्कार।